राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है किशोर बच्चों हेतु मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर रेडियो पत्रिका किशोर जगत। तेनाली राम की कहानियां। तेरहवीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत के होयसल साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। साम्राज्य के सामंतों ने विजयनगर राज्य की स्थापना की। ये राज्य तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में था। ये दक्षिण के एक सबल राज्य के रूप में उभरा। सन 1509 में कृष्णदेव राय इस राज्य के सर्वे सर्वा बने। उन्होंने 29 वर्ष तक राज्य किया। उनके दरबार में एक श्रेष्ठ बुद्धिजीवी विदूषक था, तेनाली राम। राजा कृष्णदेव राय अत्यंत योग्य शासक थे। वो संस्कृत और तेलुगु के प्रकांड पंडित थे। तेनाली राम उनकी बुद्धि की कसौटी पर खरा उतरा, इसीलिए राजा उसे बहुत स्नेह करते थे। तेनाली राम हसोड़ था, पर उसके विनोद बुद्धि और चतुराई से भरे होते थे। तेनाली राम की सूझबूझ से भरी कुछ कथाएं प्रस्तुत हैं। हर कथा से जाहिर है कि बड़ी से बड़ी समस्या भी हास्य विनोद से सुलझाई जा सकती है। बहरहाल, तेनाली राम में ये कमाल था। आइए अब सुनते हैं कहानी अनुपम उपहार। विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक बार पड़ोसी राज्य का एक राजदूत आया। वो दूत अपने राजा का संदेश लेकर आया था। जब वो संदेश देकर लौटने लगा तो महाराज ने दूत को दरबार में बुलाया और कहा, राजदूत महोदय। जी महाराज। कुछ समय और रुक जाइए। महाराज, मैं भी रुकना चाहता था, मगर जाना आवश्यक है। आप सुबह आए और दोपहर को जाना चाहते हैं? जी महाराज। हम आपको कोई उपहार देना चाहते हैं। आपकी कृपा है महाराज। मांगिए, क्या मांगते हैं? महाराज, आज तक मैं जिस राज्य में गया, सब जगह मुझे सोने चांदी हीरे मोती ही उपहार के रूप में मिले हैं। राजदूत महोदय, क्या आपको हमारे दरबार से भी यही सब चाहिए? नहीं महाराज, मुझे आपसे कोई ऐसा उपहार चाहिए जिसे मैं जीवन भर याद रख सकूं। कोई सुंदर कलाकृति भेंट की जाए आपको? नहीं महाराज, कोई ऐसा उपहार जिसे कोई मुझसे छीन न पाए। वो उपहार जो सुख दुख धूप छांव में सदा मेरे साथ रहे, जिसे मैं सदा याद रखूं, कभी भी भूल ना पाऊं। आपने तो हमें सोचने के लिए बाध्य कर दिया। ऐसा कौन सा उपहार जो महाराज, आपसे एक निवेदन है। कहिए तेनालीरामा। महाराज,
राजदूत महोदय को उपहार देने का भार मुझे सौंप देना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं। महाराज, मेरा निवेदन है, माननीय अतिथि को जो सोने चांदी के उपहार आप देना चाहते हैं वो तो दे ही दीजिए, लेकिन मैं इन्हें वो विशेष उपहार देना चाहता हूं जिसकी इन्होंने इच्छा व्यक्त की है, अर्थात जिसे ये कभी भूल ना पाए। किंतु महाराज, वो विशेष उपहार पाने के लिए इन्हें कुछ घंटे हमारे साथ बिताने होंगे। लेकिन ये तो अभी जा रहे हैं, आप इन्हें विशेष उपहार अभी दे दीजिए। क्षमा करें महाराज, इनकी पसंद का उपहार इन्हें देने के लिए इन्हें अवश्य कुछ घंटे हमारे प्रेम और आदर से भरे आतिथ्य को स्वीकार करना होगा। मुझे स्वीकार है महाराज। तेनाली रामा के पास हर समस्या का हल होता है। तभी तो महाराज तेनाली रामा को इतना चाहते हैं। फिर भी उनमें तनिक घमंड नहीं है। राज्य के मान सम्मान का उन्हें बहुत ध्यान रहता है। अब देखते हैं संध्या तक तेनाली रामा कौन सा विशेष उपहार लाते हैं। अवश्य कोई अनुपम उपहार ही होगा। हमारे तेनाली रामा भी तेनाली रामा हैं। अवश्य अवश्य। इसके बाद महाराज ने अतिथि को सोने चांदी के उपहार दिए। फिर तेनाली राम ने अतिथि की सेवा और सत्कार में सारा दिन बिताया। उन्हें शहर के विभिन्न दर्शनीय स्थानों की सैर कराई। विद्यालयों में जाकर बच्चों से फूल माला भेंट कराई। तेनाली राम ने उन्हें अपने साथ भोजन कराया। विद्वानों से परिचय करवाया। साधु महात्माओं से आशीर्वाद दिलवाए। संध्या होते होते अतिथि राजदूत अपने आप को तेनाली राम के परिवार का ही हिस्सा समझने लगा। वो भाव विभोर हो गया। प्रसन्नता से उसकी आंखें छलछला आईं। वो सोचने लगा कि तेनाली राम इंसान के रूप में कितने महान हैं। तेनाली राम ही क्यों, विजयनगर का हर निवासी उसे अपने परिवार का अंग लगा। इसी तरह दिन बीत गया। संध्या हुई। राजदूत के प्रस्थान का समय आ गया। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज पधार रहे हैं। महाराज पधार रहे हैं। वो देखो तेनाली रामा जी भी आ रहे हैं, परंतु उनका हाथ तो खाली है। उन्हें तो राजदूत के लिए विशेष उपहार लाने का काम सौंपा गया था। देखो तो कितने आराम से आ रहे हैं, जैसे कोई चिंता ही नहीं। मगर उपहार कहाँ है? फिर ये राजदूत को देंगे क्या? ये तो सोचने वाली बात है। ऐसा तेनाली रामा, क्या अतिथि के लिए उपहार लाए? महाराज, उपहार तो मैं अतिथि महोदय को दे चुका। कहाँ है? मुझे तो कोई उपहार नहीं मिला। तेनाली रामा, आप कहना क्या चाहते हैं? कहाँ है वो विशेष उपहार? महाराज, वो विशेष उपहार तो इनके मन के अंदर है। मेरे मन के अंदर? हाँ, आपके मन के अंदर। राजदूत महोदय, आपकी इच्छा ये थी कि आपको
ऐसा उपहार दिया जाए जिसे आप कभी भूल ना पाए, ऐसा ही चाहते थे ना आप? जी हाँ, आपने ठीक ही कहा। तो जो चीज पाकर हम कभी नहीं भूल पाते वो चीज क्या है? वो चीज क्या है तेनालीरामा? महाराज, वो है सच्चा प्रेम। और हार्दिक अभिनंदन अर्थात हृदय से किया गया स्वागत सत्कार जो इन्हें देने का हमने पूरा प्रयत्न किया है। राजदूत महोदय, आप ही बताएं कि क्या आप उसे कभी भूल पाएंगे? तेनाली रामा जी, आपने सत्य कहा। कोई बड़े से बड़ा उपहार भी इस प्रेम और आदर का स्थान नहीं ले सकता जो आज आपने इस पूरे नगर ने मुझे दिया। आप ठीक कहते हैं कि यही है वो उपहार जो मैं चाहता था। ये अनुपम उपहार हमेशा मेरे साथ रहेगा। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तेनाली जी ने मुझे प्रेम से भोजन कराया, विद्वानों से चर्चा कराई, विद्यार्थियों से फूलों की माला पाकर बहुत अच्छा लगा। प्रेम ही प्रेम, आदर और सत्कार से हृदय गदगद हो गया। यही है मेरा उपहार, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महोदय, आप वाकई और कुछ विशेष उपहार नहीं लेना चाहते? नहीं महाराज, मैंने कहा ना कि मेरे लिए यही विशेष उपहार है, अनुपम उपहार है। यहां मैंने सीखा परस्पर प्रेम क्या होता है, सच्चा आदर किसे कहते हैं, अतिथि सत्कार क्या होता है। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा महाराज। राजदूत महोदय, इसके लिए मेरा नहीं तेनाली रामा का आभार व्यक्त कीजिए। नहीं महाराज, जो आदर प्रेम हमें आपने दिया वही तो हम दूसरों को दे पा रहे हैं, इसलिए महाराज इसका श्रेय आपको ही मिलना चाहिए। धन्य है तेनाली रामा। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। तेनाली रामा की जय हो। तेनाली राम की कहानियां इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। विषय संयोजन अख्तर हुसैन, आलेख नेहा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार जैमिनी कुमार, मंजू मैनी, राम मैनी, कीमती आनंद, बी आर एल सक्सेना, सुनील लोहिया और हरदीप, तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार, तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े, ध्वनिंकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।